एम्बुलेंस खड़ी है जहाँ पे हम खड़े हैं, और जो जो एक्सीडेंट साइट है वो तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। अगर मैं आपको उस जगह ले जाने की कोशिश करूँ, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सक्रिय इलाका है, और लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं अपने कैमरे से बोलूंगा आपको, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के एक मंत्री के मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, 12 लोगों की मौत की खबर, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र के एक मंत्री दे रहे हैं। मुंबई में ये इमारत में हुआ बड़ा हादसा, और इसके बाद अब तक जो अलग अलग सोर्सेस से हमको 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जानकारी मिल रही थी, महाराष्ट्र के एक मंत्री के मुताबिक ये संख्या 12 पहुंच गई है। 12 लोगों की मौत की खबर महाराष्ट्र के मंत्री के मुताबिक, और राहत और बचाव काम जिस गति से चल रहा है, जिस धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि मजबूरी है वहां पर राहत बचाव दलों की भी, ऐसे में वाकई में मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मुंबई में इमारत हादसे में 12 लोगों की मौत, और ये जानकारी जो है ये महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री के हवाले से ये खबर आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुंबई के डोंगरी इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और ऐसे में 40 से 50 लोगों के दबे होने के मलबे में आशंका, और खबर ये कि 12 लोगों की मौत हो सकती है इस बड़े हादसे में। हम रुक करना चाहेंगे इसी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक का। विवेक, महाराष्ट्र के एक मंत्री के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 12 तक पहुंच चुका है, आपको कुछ जानकारी? देखिए नेहा, आपको बताएं जी, जो मंत्री को आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे शुरू है, और गिरीश महाजन को अगर मैं देखूँ तो गिरीश महाजन भी और जो तमाम मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जो हादसा हुआ उसका जायज़ा ले रहे हैं। और अभी तक जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, उसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंज आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, हालांकि देखिए मुंबई पुलिस है या फिर बाकी के जो अधिकारी हैं, NDRF के अधिकारी, उन्हें सिर्फ पैदल आ जा रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन वसंत से बोलूँ, आप देख सकते हैं गिरीश जी हमारे साथ। सर, कितने लोग की मौत का आंकड़ा है डिपार्टमेंट? सर, लेकिन जो हादसे की वजह से कौन है, क्या है, तो आइडिया सर आप स्पॉट से हो गया, कितने की मौत है? वहाँ तो कुछ नहीं मालूम, बचाव कार्य अतिशय वेगात सुरू आहे। डिप्टी टीम या ठिकाणी आलेले आहे, कॉर्पोरेशनचे सगळे फायर ब्रिगेडचे लोक या ठिकाणी काम करत आहेत, पोलीस दल या ठिकाणी काम करत आहे, पण जागा अतिशय लहान असल्यामुळे खूप अडचण त्या ठिकाणी सगळ्यात मलबा काढायला त्या ठिकाणी होत आहे। तो सर्व नागरिकांचं सहकार्य आहे, स्थानिक लोकांचं सहकार्य आहे, आणि काम आता अतिशय युद्धपातळीवर चाललं आहे। आसपासच्या इमारतीसुद्धा अतिशय धोकादायक अवस्थेत आहेत, आपण बघितलं की अतिशय चिंचोळ्या गल्ल्या आहेत, बचाव कार्य नीट। गिरीश महाजन हमारे साथ हैं लगातार, नेहा मैं आपको एक मिनट म्हणजे बात कराऊंगा। इथे JCB किंवा गाडी किंवा ट्रक पोहोचायचं कुठेही जागा त्या ठिकाणी नाही आहे, कारण ही घटना ज्या ठिकाणी घडलेली आहे ती अतिशय लहान गल्ली, म्हणजे पाय वाटत 2 लोक 3 लोक जाऊ शकतील अशी त्या ठिकाणी आहे, त्यामुळे अडचणी आहेत। परंतु आता आपण बघतात की अगदी मानवी साखळी करून अगदी एक एक वीट काढून सगळं सामान बाहेर काढतात, स्थानिक लोकांचं या ठिकाणी अतिशय सहकार्य चांगलं आहे, आणि सगळ्या शासकीय यंत्रणा आहेत, BMC यंत्रणा आहेत, त्या सर्व युद्धपातळीवर। हिंदी में जाना चाहेंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है? नहीं, रास्ता बहुत छोटा है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी ट्रक या कोई जा नहीं सकता, कोई JCB पोखरा नहीं जा सकता है, बहुत छोटा, ये सब मैनुअल काम चल रहा है। एक एक ईंट यहाँ के हटाकर वह उसको बाहर लाया जा रहा है और ट्रक पर डाला जा रहा है, इसलिए सभी लोगों का सहकार्य यहाँ पर है, सहयोग है, यहाँ के लोकल लोग है, यहाँ के सभी BMC के लोग हैं, NDF की टीम यहाँ पर आ गई है, पुलिस यंत्रणा यहाँ पर, सभी का सहकार्य यहाँ पर है। अभी तो आज अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन 5 लोग JJ हॉस्पिटल में है, इंजर्ड थे, अभी उनकी तबीयत ठीक है, एक कैजुअलिटी हुई है, एक डेथ हो गई, एक लेडीज है उनकी डेथ हो गई है। अभी तक मलबा हटाने का काम चल रहा है, ये सब काम खत्म होने के बाद। इमारत कितनी पुरानी थी ये भी बताया जा रहा है, खाली ये 100 साल पुरानी इमारत थी, ये 100 साल पुरानी इमारत थी, उसके बारे में महाड़ाई या BMC जानकारी, उनसे जानकारी आपको मिल सकती है, लेकिन ये बहुत पुरानी इमारत थी, 100 साल पुरानी इमारत। लेकिन यहाँ पर BMC के जो तो ये थे हमारे साथ गिरीश महाजन, सीनियर लीडर है महाराष्ट्र सरकार में, जो बता रहे थे कि 100 साल पुरानी इमारत, उन्होंने भी माना कि जगह छोटी और सक्रिय होने की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। नेहा, आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बार बार में हम आपको ये दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझे और हमारे दर्शक समझे कि कितना बड़ा चैलेंज है फायर ब्रिगेड के लिए, NDRF के लिए और BMC के लिए, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, रास्ता बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। NDRF ने भी माना, महाराष्ट्र सरकार ने भी माना, मुंबई पुलिस ने भी माना, BMC ने भी माना कि जो भी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो मैन्युअली चल रहा है। तो नेहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मंजिला इमारत मुंबई जैसे शहर में गिरती है और उसका मलबा हाथों से हटाया जा रहा है,
वजह से भी है कि क्रेन और बड़ी इक्विपमेंट नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। तो सोचिए जितने एजेंसी ने सबने अपने हाथ खड़े कर लिए, उनका साफ तौर पर बोल दिया कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास मलबा हटाने का, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचता है मैनुअली, यानी कि इंसानी रूप से जो मलबे वहाँ पे हैं उसे हटाएं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से 25 लोग अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं। 5 मंजिला इमारत है तो लोगों के जो एक एक सेकंड, एक एक मिनट प्रीसियस टाइम है, अभी एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है लोगों को बचाने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोगों की मुश्किलों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। यही हम आपको बताने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता छोटा होने की वजह से कितना बड़ा चैलेंज है। अब आपने सबका बाइक सुना, इंडायरेक्ट डीजी ने बोल दिया कि मैनुअली ऑपरेशन हो रहा है। जो महाराष्ट्र के बड़े मंत्री है गिरीश महाजन, उन्होंने बोला कि हाथ से ही से मलबा हटाया जा रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग अंदर दबे हुए हैं उनकी बचने का जो कोशिशें हैं वो कितने हद तक और कितने देर तक वहाँ पे वो लोग रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई भी बहुत गंभीर सवाल अपने आप में और बहुत ही चिंताजनक स्थिति है विवेक, जहाँ पर आपको हाथों से मलबा हटाना पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, जिन इलाकों में डोंगरी के ये बिल्डिंगें स्थित हैं, वहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है और गलियाँ इतनी तंग हैं, इतनी संकरी हैं। आप एक क्रेन छोड़िए, आप एक बारी में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को वहाँ भेज भी नहीं सकते रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें, जिस जगह इमारत गिरी, जहाँ से लगातार विवेक हमें जानकारी दे रहे हैं, उस जगह, उसके आसपास कई और इमारतें ऐसी हैं जो इसी तरह खतरनाक तरीके से जर्जर हो गई हैं। पांच मिला इमारत गिर गई है, उसके आसपास जो इमारतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालात में। अगर मैं अपने कैमरामैन विक्रम से बोलूँगा, आप देख सकते हैं ये भी 5 माले की इमारत है, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हालांकि इस इमारत को खाली करा दिया गया है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि इमारत कभी भी किसी समय भी गिर सकती है, इसलिए यहाँ पर आसपास के लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और ठीक इसके पीछे जो इमारत थी वो पूरी तरह से गिर गई है। आप जानते हैं ये जो बिल्डिंग गिरी है कितने बजे गिरी है, कुछ आइडिया? आइडिया नहीं, अभी आप है ना, 1 घंटे पहले गिरी है। और ये इमारत कितने बजे, कितनी देर से खाली है, कितने दिनों से? दो साल से खाली है इमारत। इसी के बगल में ये इमारत गिरी थी ना, ये जो पूरा क्रैक है। हाँ क्या देखिए, साफ तौर पर बिल्डिंग पूरी तरह से इसको जर्जर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के पीछे जो इमारत थी केसरबाई बिल्डिंग, वो पूरी तरह से गिर चुकी है और इस इमारत को भी धोखादायक बताया जा रहा है। हालांकि इस इमारत में कोई रहता नहीं है, लेकिन जो इमारत गिरी है वहाँ पर लोग रहते थे और बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग मलबे में दबे हुए हैं। जो लोकल पब्लिक है वो अपनी पूरी मदद कर रही है कि जो लोग अंदर दबे हुए उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि चक्री गलियाँ हैं और गली होने की वजह से जो लोग हैं, जो रेस्क्यू टीम है, जो सर्च टीम है, वो पहुँचने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। तो एक नहीं कई इमारतें ऐसी हैं जो इसी तरह से हादसों का इंतजार कर रही हैं। और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, आप बाकायदा स्निफर डॉग्स के साथ यानी खोजी कुत्तों के साथ साइट पर टीमें मौजूद हैं। और क्योंकि हाथ से मलबा हटाने का काम चल रहा है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जहां लोग फंसे हों उसका एक आइडिया लग सके मलबे के भीतर, ताकि वहां से मलबा हटाने का काम और ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके, जिसके लिए बाकायदा स्निफर डॉग्स को काम पर लगाया गया है। तो इस तरह की स्थिति जो डोंगरी इलाके में इस वक्त बन रही है, 4 मंजिला इमारत का मलबा जिसे हटाने के लिए वहाँ कोई क्रेन नहीं पहुँच सकती, कोई मशीन नहीं पहुँच पा रही है, और ऐसे में मैनुअली यानी हाथों से ही मलबे के टुकड़ों को हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बच्चे को किस तरह से बचाया गया, मलबे से ज़िंदा बाहर निकाला गया, और जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उनको जे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आनंद ने भी बताया कि वो 5 किलोमीटर दूर है जे अस्पताल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत पास भी नहीं है, लेकिन शायद सबसे नज़दीक का अस्पताल वही है, इसीलिए जे अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ज़िंदगी की तलाश में स्निपर डॉग्स को भी लगाया गया है, तब जबकि मलबा हटाना उतना मुश्किल नहीं हो सकता, पर मलबा हटाने के लिए आपको क्रेन की मदद तो लेनी पड़ेगी, हथियार औजार तो चलाने पड़ेंगे वहां पर, लेकिन वो ले जाने के लिए भी वहां पर जगह नहीं है। इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जे अस्पताल से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अस्पताल से आप हमको क्या अपडेट दे सकते हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं पूर्व गृह निर्माण मंत्री जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे वो हमारे साथ हैं, सचिन आहिर, जो जे अस्पताल पहुंचे हैं। सचिन भाऊ, आप जब मंत्री थे, इस तरीके की जे में जो सकरी गलियां थी, खासकर पुरानी इमारतें थी, उनके लिए गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, और इस तरीके का जो हादसा हुआ है उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? मुंबई शहर की 16,000 इमारती है टाइम बॉम्ब पे, और यही दृष्टिकोण रखकर ये कभी भी फट सकती है, और हर बारिश आती है, और जब बारिश सूखने के, बारिश खत्म होने के बाद जब धूप आती है तो इस तरह की घटना होती है। हमने हमारे कार्यकट में ये कहा था कि जितने भी डेंजरस बिल्डिंग है वहाँ पे लोग ट्रांजिट स्कैम में जाने नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 50-100 साल गए, हमने हमारी
जो जो तीसरी पीढ़ी ली, और हमको अगर बैंड्रा अगर आप भांडू अपना बोरोवली कांदिवली मलाड भेजोगे तो हम नहीं जाएंगे। और आज का हादसा भी यही है, आर्दे लोगों ने खाली किया, आर्दे लोग नहीं गए। हम जब सरकार में थे तो हमने गिरनी कामगारों को जो मिल लैंड के ऊपर जो जमीनी थी जहाँ उनको घर बना के दिया था, वहाँ से 25% टीटीसी हमने वहाँ पे ट्रांजिट स्कैम्स उपलब्ध करके दी थी। नई सरकार ने ये सब ट्रांजिट स्कैम्स प्राइवेट बिल्डरों को और बीडी चाल के रीडेवलपमेंट के माध्यम से सब वहाँ पर रोक रखने का काम किया, और अगर ये निर्णय नहीं होता तो शायद ये बच सकते थे। लेकिन धोरण है 33-7 का धोरण है, लेकिन मानसिकता होनी चाहिए ना। 5 साल में सरकार का कौन सा प्रतिनिधि है जिन्होंने इन सब इमारतियों के बारे में चर्चा की? कहाँ है पालक मंत्री 5 साल, वो क्यों नहीं आए? कहाँ पे गए चेयरमैन हमारे लोग जो देखते थे? तो ये दुर्दैव है कि जो आज हादसा हुआ, ये हादसे के बाद निराशजनक जो धोरण है विधान परिषद में, विधानसभा में विपक्ष बोलकर हम बोलने के बावजूद भी जो उनके पास से प्रतिसाद मिलना चाहिए वो न मिलने के कारण मुंबई शहर के इन जड़तीर्थ इमारतों का प्रश्न ये अनिर्णित रहा। लेकिन खासकर अगर बात करें जिस तरीके से मुंबई का डोंगरी हुआ, डोंगरी का पूरा इलाका, साउथ मुंबई का मैक्सिमम ऐसी गलियां हैं जो बहुत सक्रिय हैं, जहां पर जाने आने के लिए रास्ता नहीं। अभी भी हमारे संवाददाता जो वहां पर बता रहे हैं कि वहां पर मैनुअली ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि वहां पर कोई मशीनें नहीं पहुंच पा रही हैं। उसको लेकर के किस तरीके के ऑपरेशन, और जब आप लोग मंत्री में 10 साल थे, 15 साल यहां पे महाराष्ट्र में, उसको लेकर के किस तरीके का आपने धोरण तैयार किया? क्लस्टर धोरण किया था 33-9 के अंतर्गत, कि जहां दो बिल्डिंगे लग के है कि एक बिल्डिंग को न लेते हुए 4000 मीटर का पूरा एक क्लस्टर साथ में देना चाहिए ताकि, और उसको हमने ये भी कहा था कि कंपल्शन किया था कि घर मालिकों को साथ में लेकर प्राइवेट डेवलपर अगर आता है तो हम गवर्नमेंट बोलकर उसको सपोर्ट करते हैं और क्लस्टर धोरण लिए। और ये क्लस्टर धोरण अगर ये कामयाब हुआ होता तो 5 साल में होता था, और साथ ही साथ में यहाँ क्लस्टर धोरण नहीं होता है तो वहाँ माड़ा बोलकर उसको एक्वायर करने की भी प्रक्रिया की ली थी। क्या मुंबई में आज 5 साल में एक भी एक्विजिशन की प्रक्रिया हुई नहीं है? क्या मुंबई में इस समय मुंबई करों के लिए रहना आसान नहीं है? पिछले दिनों बारिश के दौरान एक वॉल गिर गई, यहाँ पर जिस तरीके का हादसा हुआ उससे मुंबई कर तो भगवान के भरोसे पे रह रहे हैं। कब हम लोग जब चलते पता नहीं कि कौन से मैन होल में गिर जाए, अगर पेड़ आ गया तो डर लगता है पेड़ नहीं गिर जाए, और घर में गए तो इमारत गिरे कि क्या करे, ऐसी स्थिति है। तो मुंबई की परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। मुंबई 21वें शतक का शहर है, हमको इसका गर्व है, लेकिन जिस तरह से धोरण की अमल बजनी होनी चाहिए मुंबई के अंदर, ये जो सब समस्या है, स्मार्ट सिटी की घोषणा होती है लेकिन स्मार्ट सिटी में ये मुंबई का एक स्वरूप भी है, ये दुर्दैव से भुला जाता है। ये एक हमारे मन में एक खंत है या एक तकलीफ जो हमको होती है कि मुंबई 21वें शतक में एक आदर्श देने वाला शहर हमारे देश का है लेकिन अंतर्गत समस्या। इसलिए हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से विनती करेंगे कि इन सब समस्याओं को देखें, ना सिर्फ बारिश में एक बिल्डिंग गिर गई उसका हम मातम मनाएं, और सिर्फ बात करें, इंक्वायरी करें, रिपोर्ट करें, अधिकारियों को अंदर डालें और फिर अगले साल का इंतजार करें, ये ना होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ये पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के थे जो ये कह रहे थे कि इस सरकार में जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। अगर अपडेट की बात करें नेहा, तो अभी इस समय जेजे में 5 लोगों को लाया गया है जबकि एक की डेथ हुई है जो महिला है, और जो 5 लाए गए हैं उसमें 3 सीरियस इंजर्ड हैं जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। और फिलहाल गिरीश महाजन जिस तरीके से बता रहे थे कि खासकर उस पूरे साउथ मुंबई की बात करें या ऐसे डेंजरस जगहों पर 499 बिल्डिंगें हैं जिनको खाली करने के लिए इस बार बीएमसी ने मार्च में नोटिस जारी की थी कि उन सब जगहों को से लोगों को रेस्क्यू किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए ताकि वो कभी भी इस तरीके की जर्जर इमारतें गिर सकती हैं। बावजूद इसके जिस तरीके का हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है। बिल्कुल, कई तरह के पेज है देखिए इसमें अभिषेक, 499 इमारतों को खतरनाक बीएमसी ने बताया। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं ये जो इमारत गिरी ये बीएमसी की लिस्ट में शामिल नहीं थी। 174 इमारतें ऐसी हैं जिस पर कोर्ट से जाकर के स्थानीय लोगों ने स्टे ले लिया बीएमसी के इस ऑर्डर के खिलाफ। तो फिर आप किसको दोष देंगे, किस पर सवाल उठाएंगे, ये तमाम तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबका फोकस जो है वो राहत और बचाव के कामों पर है। हमारे साथ विवेक लगातार मौजूद है। विवेक, कोई और अपडेट आप हमें दे सकते हैं? किसी तरह से जो राहत बचाव का काम है उसमें कुछ गति देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो दबे हैं मलबे के नीचे उनके लिए यही आखिरी उम्मीद है कि राहत बचाव थोड़ा सा गति पकड़े।
बिल्कुल सही कहने हैं आपने, देखिए अभी कुछ देर पहले ही दो लोगों को मलबे से ये निकाला गया है और हॉस्पिटल ले जाया गया है। मगर मैं एम्बुलेंस को देखती हूँ कि एम्बुलेंस मेन रोड पे, आप देख सकते हैं जो मेन रोड पे भीड़ इतनी है, सड़क इतनी छोटी कि एम्बुलेंस को बाहर निकलने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ अगर यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस खड़ी है, आप देख सकते हैं कि बाहर जाने का रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पर पार्क क्यों कर दी गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई एमरजेंसी में निकलता भी है तो किस तरीके से बाहर निकलेगा। पूरे एम्बुलेंस ने जगह से यहाँ से बंद किया हुआ, लोग एम्बुलेंस के जरिए पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। मेरे पीछे हैं आप वो देखते हैं कि स्पॉट वहाँ पर है और उसी स्पॉट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं और अभी भी जो पूरा ऑपरेशन है वो पूरा मैनुअली चल रहा है और मैनुअली होने की वजह से ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी भी दबे हुए हैं, तकरीबन 20 से 25 लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जो आम पब्लिक है वो अपना पूरा सपोर्ट कर रही है, ह्यूमन चेन बना रही है। और हालांकि सबसे बड़ा जो मुश्किलों का सामना पड़ रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आप देख सकते मेरे पीछे की लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग भीड़ में आए हैं उन्हें किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। अब देखिए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो गैस कटर है एनडीआरएफ की, जो गैस कटर उससे लाने में कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंदाजा लगाइए ये जो गैस कटर है वो स्पॉट पर नेहा बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए। सड़कें छोटी हैं जिसकी वजह से अब इन गैस कटरों को छोटी गाड़ियों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और छोटी गाड़ी में ट्रांसफ़र करने के बाद इन्हें लाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस साथ भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्शन दे सके अगल बगल जो गाड़ियां खड़ी हैं वो यहां से हटाई जा सके। और आप समझिए जो गैस कटर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है किसी भी हादसे की जगह पहुंचने के लिए, वो गैस कटर तकरीबन अभी आप अगर मैं समय की बात करूँ तो लगभग तीन बज चुके हैं 11 बजे का हादसा है। 1.5 घंटे पहले यहाँ पर, 2 घंटे पहले एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी थी, अब गैस कटर यहाँ पर मौके पर पहुँच रहा है। तो अंदाजे लगाइए कि किस तरीके से जो ऑपरेशन चल रहा होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा होगा वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मौके पर पहुंचने के लिए। आपको एक मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त माडा के जो पीआरओ हैं वैशाली वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा हादसा ये वैशाली जी, और इसके ऊपर लगातार न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि 100 साल पुरानी ये इमारत थी, इतनी बुरी शेप में थी और इसके भीतर लोग रह रहे थे। हेलो वैशाली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जी जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बताया जा रहा है ये माड़ा की बिल्डिंग है, तो मैं पहले खुलासा कर देना चाहती हूँ कि ये बिल्डिंग माड़ा की नहीं है, माड़ा के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, ये कोई वहाँ पे लोकल प्राइवेट ट्रस्ट है उनकी जुरिस्डिक्शन में ये बिल्डिंग आती है। आप ये कह रही है कि ये बिल्डिंग माड़ा की है ही नहीं, ये माड़ा के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है? जी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब आपसे थोड़ी देर पहले बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि ये बिल्डिंग जो है ये माड़ा के तहत ही आती है। जी ऐसे है कि जो प्राथमिक सूचना, प्राथमिक माहिती के अनुसार हमें पता चला था ये इमारत को लग के जो दूसरी इमारत है वो माड़ा के जुरिस्डिक्शन में है और जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे ये जगह इतनी छोटी है कि इनएक्सेसिबल फॉर द कॉमन मैन टू गो इनसाइड। जब हमारे अधिकारी वहाँ घटनास्थल तक पहुँच पाए तब हमें पता चला है कि ये माड़ा के जुरिस्डिक्शन में इमारत नहीं है, जो हमारी इमारत है बिल्कुल वहीं पे नजदीक खड़ी है। जी अब मुझे एक बात बताइए वैशाली जी, कितने लोगों की जान गई है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है? जी नहीं, अभी मैं जो टीवी पे ही आपको बता सकती हूँ जो देखना है वहीं पे, मैं उसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं कर। वैशाली जी मैं आनंद बोल रहा हूँ, मैं जानना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि इसके डिमोलिशन ऑर्डर्स और एविक्शन ऑर्डर्स 2012 में दिए गए थे, अब हम 2019 में हैं फिर भी ये खाली नहीं हुआ ये बिल्डिंग, ये इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है फिर? जिसके जुरिस्डिक्शन में ये इमारत आती है उनसे ही हम पूछताछ कर सकते हैं कि इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई। पर ऐसे माड़ा रिप्रेजेंटेटिव मैं इसके बारे में कुछ वक्तव्य नहीं कर सकती क्योंकि इसके आसपास की बिल्डिंग्स तो माड़ा की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो अगर एक बिल्डिंग को खतरा है तो एक बिल्डिंग को अगर खतरा है तो माड़ा की बिल्डिंग को भी खतरा हो सकता है, ये बिल्डिंग ढह गई तो इसका इम्पैक्ट माड़ा की बिल्डिंग पर भी हो सकता है, तो इस लिहाज से भी क्या माड़ा ने कभी ये इस पर पड़ताल करने की कोशिश नहीं की? जी हर साल हमारे माड़ा की तरफ से, इमारत दुरुस्ती मंडल की तरफ से जो मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग होती है उसकी लिस्ट डिक्लेयर की जाती है और इस साल हमने कुछ 23 इमारतें हैं जो डेंजरस है फॉर इनहैबिटेशन डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी ये जो घटना दुर्घटना हुई है
इसके बाद हम हमारी जितनी भी इमारतें हैं उनको उनको इवैक्यूएशन ऑर्डर्स या आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे अधिकारी वैसे ही घटनास्थल पर हैं ही, क्योंकि उमेर खाड़ी में भी माड़ा की लिस्ट में है, दो तीन बिल्डिंग्स हैं जो उमेर खाड़ी में हैं, लेकिन उनको भी आपने डेंजरस तो करार दे दिया लेकिन एविक्ट नहीं कराया है, तो अब अगर वहां जान माल की हानि होती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी फिर किस पर जाएगी? नहीं, हमने एक्चुअली उनके ऊपर इवैक्यूएशन ऑर्डर्स इश्यू कर दिए हैं और हमारी कार्यवाही भी बिल्कुल चल रही है जी। अभी मेरे ख्याल से अभी उसको गति मिल जाएगी ये घटना के बाद। जी वैशाली जी, बस एक बार मैं आपसे स्पष्टीकरण इस पर चाहूंगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत साफ कहा है कि ये जो इमारत गिरी है ये माडा की है, ये 100 साल पुरानी थी और माडा की जर्जर इमारतों की सूची में इस इमारत का नाम शामिल नहीं था। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो ये इमारत जो है ये माडा की है, लेकिन माडा की प्रवक्ता होने के नाते आप कह रही हैं कि ये आप लोगों की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। जी, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि माड़ा के ज्यूरिसडिक्शन में इमारत नहीं आती है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे माड़ा की इमारतें हैं, माड़ा सेस प्रॉपर्टीज देखती है और सेस प्रॉपर्टीज की इमारतें उस एरिया में हमारे दो तीन इमारतें हैं और यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही नैरो लेन है, हमारे प्राइमा से हमारे ऑफिसर्स वहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर हमारी वहाँ इमारतें होने के बावजूद इसलिए पता ऐसे अंदाजा लगाया गया था कि वहाँ पे हमारी ये बिल्डिंग है, मगर जो इमारत धस गई है गिर गई है वो माड़ा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, वो कहीं लोकल प्राइवेट ट्रस्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। शुक्रिया आपका वैशाली जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब तो इसी बात पर सवाल खड़ा हो गया है कि ये जो बिल्डिंग है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन इस बीच देखिए राहत बचाव का